वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से यार लाइक कर दो और चैनल को भी ना सब्सक्राइब कर देना। अबे यार अभी चलते हैं, सुबह सुबह जो ना मैं उठ गया था, अभी नीचे आया हुआ हूँ। अभी तो यार 11 ही बज रहे हैं ना, अभी नाश्ता कर लूँ कुछ। वे करेले का जूस पड़ा हुआ है वो पी लूँ। अबे नहीं यार अजीब सा ये, छोड़ो यार ये नहीं पी रहा मैं। वहाँ देखते हैं यहाँ क्या पड़ा हुआ है। अबे ये क्या पड़ा हुआ है, जूस पड़ी हुई है, समझ जाओ तुम लोग। अब चलो निकलते हैं यार। अभी सुबह सुबह जो ना पापा भी अपने शोरूम निकल गए थे यार। तुम लोग को तो पता है ना सिमियन को ना हमने ना टपका दिया, एक हफ्ता गुजर भी गया। अभी जो है ना अभी चलते हैं सीधा अपनी वर्कशॉप पे ना, साकिब भाई भी आ गए थे। ये चेक करो कैसे लग रहा हूँ मैं, है ठीक है ना। अबे यार पापा अपनी जो है ना गाड़ी नहीं लेकर गए, टैक्सी पे गए पता नहीं क्यों। अबे यार मेरी प्रियस और मेरी जो 125 है वो भी चली गई यार, साकिब भाई को दी थी। मगर साकिब भाई बोल रहे वो तो यार उन्होंने जो है ना चोरी कर ली थी, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गई। और यार मेरी प्रियस भी नहीं मिल रही यार, वो वापस वहाँ खड़ी की थी ना। चलो यार कोई बात नहीं, इसी पर ही चलते हैं अब। पता नहीं पापा से पूछूंगा यार, ये मैं ले लूँ, पापा को बोलूँगा यार अपनी कोई दूसरी गाड़ी ले लो ना। ये चेक करो यार ये भी अंदर से ठीक है, मगर ना बाहर से बहुत ही मिट्टी मिट्टी वाली हुई हुई है। अब तुम लोग सोचोगे यार इस वाले घर में क्यों आ गए। अब यार वो वाला घर छोड़ दिया ना पापा बोले थे, अब जो ना सारी पटीखियाँ ख़त्म हो गई हैं तो इसी वाले घर में ना जो है हम शिफ्ट हो गए थे। अभी तो यार सुबह के 11:30 ही हो रहे हैं, निकलते हैं। अबे अबे क्या कर रहा है भाई अजीब। अबे लॉस सैंटोस के लोगों को ना चलानी नहीं आती, अपने कराची में ठीक रहते हैं। अबे वैसे उनको भी चलानी नहीं आती। चलो यार चलते हैं। अभी जो ना साकिब भाई भी ना मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आज लेट हो गए, और पापा भी जो ना सुबह सुबह शोरूम निकल गए थे, वो जो है ना वर्कर्स को ले गए। पापा जो है ना वो शोरूम को ज़रा रेनोवेट करवा रहे हैं नया, तो ना अच्छा लगे ना अगर खुलेगा तो। चलते हैं अभी सीधा ना, क्योंकि यार भाई हमने सिमियन को टपका दिया, अब शोरूम तो अब हमारा ही हुआ ना। चलो शुक्र है यार पापा भी कुछ काम करने लग गए। आप लोगों को मैं चलते हुए ना दिखा दूंगा, अभी जो ना शोरूम बीच में आता है ना तो मैं आपको दिखा दूंगा शायद से जो ना वर्कर जो ना काम कर रहे हो। अभी चलो भाई चलते हैं। आजकल जो है ना काम वगैरह तो आ नहीं रहा वर्कशॉप पे, वैसे जो है ना बेफालतू की हम खोल लें। मैं सोच रहा हूँ यार कुछ बोर्ड वोर्ड लगवाऊँ यार, ताकि पता चले लोगों को यहाँ पर वर्कशॉप खुली हुई है। भाई एक महीने से ज़्यादा हो गया वर्कशॉप लिए हुए, मगर फिर भी जो है ना आते ही नहीं है बंदे, बहुत कम लोग आते हैं। छोटे छोटे काम करवाने आते हैं, कभी कोई पंचर लगवाने आ जाता है। अबे वैसे हम पंचर तो लगवाते नहीं है, मगर ऐसे जो है ना अगर आ जाते तो लगा देता है साकिब भाई। भाई पैसे वैसे तो कमाए ना थोड़े। चलो वर्कशॉप भी आने वाली है, शोरूम अभी सीधा सीधा चल ले तो आपको शोरूम दिखा दूंगा। हाँ ये ठीक है। अब यार अपने शायद से रोज़ वीडियो आएगी, तुम लोग ना परेशान नहीं हो ना, बस सपोर्ट करो। और हमारे जो ना 7K सब्सक्राइबर्स भी होने वाले, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो अगर आप लोग ने नहीं किया। ये देखो भाई हम पहुंच गए शोरूम पे, पापा के ना पापा भी अंदर होंगे। ये देखो बंदे काम कर रहे हैं, देख रहे हो, वो देखो ऊपर बंदा जो लाइट वाइट ठीक कर रहा है। बस यार 3-4 दिन में ना पापा बोले थे इसकी भी कोई पार्टी वार्टी रखेंगे ओपनिंग वाली ना, तो अच्छी अच्छी शिपमेंट मंगवानी है। तुम लोग सजेस्ट करो यार पापा को कि कौन सी शिपमेंट मंगवाएं। चलते हैं भाई। अबे यार आगे आगे इसी गली से ले लेता हूँ यार, शॉर्टकट पड़ेगा, पेट्रोल बचेगा ना। वैसे ही मनोज का बच्चा पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अबे 123 रुपये कर दिए बिना बताए, अजीब। चलो भाई वर्कशॉप आ गई। अबे यार यही तो मसला है भाई, कोई गाड़ी नहीं आती भाई बनने के लिए। अबे शायद अंदर खड़ी भी हो। अबे नहीं भाई ऐसी जो है ना साकिब भाई पता नहीं किसी से बात कर रहे हैं। चलो इस गाड़ी का भी पापा बोले थे ऑयल वगैरह चेंज करना है, तो इसका ऑयल साकिब भाई से बोलते हो कि जो ना चेंज कर दे तो फिर ठीक रहेगा यार। चलो अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे बात कर रहे हो। अबे लड़के रुक अभी एक मिनट। हाँ हाँ बात कर लो। हाँ भाई आ गया तू। नहीं नहीं अभी आऊँगा। अबे अजीब पागलों वाली बातें करते हो तुम भी। एक काम करो, काम वगैरह तो आया हुआ नहीं है, तो तुम एक काम करो ये जो ना गाड़ी का काम कर दो। चल चल आगे लगा दे गाड़ी में, कर देता हूँ। ऑयल वगैरह चेंज करना है ना, माइकल भाई ने मुझे बता दिया था। अबे हाँ ना भाई माइकल भाई के बच्चे, इसको लगा तो रिवर्स करके ना। एक तो यार मेरा गला भी ख़राब है। क्या हुआ लड़के, गला क्यों ख़राब है तेरा। पता नहीं यार आवाज़ निकाल निकाल के ना गला ख़राब हो जाता है तुम्हें, मैं क्या बताऊँ। चल भाई एक काम करता हूँ, मैं इसका गाड़ी का काम करता हूँ, तू फिर कुछ क्या कर रहा है तू। पता नहीं यार अभी दुआ करो कुछ काम वगैरह आ जाए। चल ठीक है भाई तेरी मर्जी, मैं तो अपना काम करूँ, ऑयल वगैरह चेंज कर देता हूँ इसका। और तू काम नहीं है ना इंजन में। नहीं नहीं बस बैटरी वैटरी का देख लेना, कोई मसला वगैरह तो नहीं है ना कोई, अगर हुआ तो चेंज कर देना बैटरी। चल ठीक है।
अबे लड़के यार, इसका काम तो बड़ा आया हुआ है, अंदर बड़ी मिट्टी मिट्टी फंसी हुई, निकालना पड़ेगा अब सारा। अबे हाँ यार, तुम देख लो, मैं जरा ऊपर से आता हूँ, जरा ना पानी पी कर आता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। जी जी सर, आपका काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो यार, इसको भी मैंने ओके कर दिया है। बस लड़के जो है ना, वो गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, वो बोलते हैं, फिर फ़ोन कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है भाई तुम लोगों के? ठीक ठाक हो ना? बस भाई, देख रहे हो सिमोन को टपकाने के बाद क्या सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है यार। ये चेक करो, लड़के मैंने काम पे लगा दिए हैं। ये देखो, ये ड्रिल कर रहा है यहाँ पर, और ये देखो ऑडी आई हुई थी बनने के लिए, ये बन चुकी है। बाकी ये ज़रा मैं रेनोवेशन करवा रहा हूँ, ताकि जो ना नया नया शोरूम लगे ना, फिर इसकी ओपनिंग पार्टी भी रखेंगे बहुत जल्द। चल छापा लड़के, कोई ज़रूरत हो तो बताइए, ठीक है? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। बाकी यार, ये जीप लेके जानी है अभी वर्कशॉप पे जिम्मी की ना, सामने ये, और ये शीशा भी टूटा हुआ, ये भी अभी लगवा दूंगा यार मैं। बाकी ऊपर जो है ना, लाइट्स वाइट्स भी चेंज हो रही हैं, बिल्कुल न्यू शोरूम बनवा रहा हूँ यार। ये देखो, यहाँ पर जो है लड़का एंट्रियाँ चेक कर रहा है। बाकी ये वर्कर्स मैं सुबह ही ले आया था, क्योंकि भाई अभी पूरा नया शोरूम बनेगा ना, तो आप लोग देखना, ठीक है ना? अभी मैं जिमी से फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि वो फारिग है, तो मैं उसके पास जो है ना गाड़ी ले जाता हूँ, क्योंकि उसके पास भी आजकल काम वगैरह नहीं आ रहा, पूछ लेता हूँ। हाँ जिमी, कहाँ पर है? पापा मैं तो वर्कशॉप पे हूँ, क्यों क्या हुआ? बस वो एक गाड़ी आई हुई थी बनने के लिए, तो मैंने सोचा तुझे मैं दे आऊँ। फारिग है ना? हाँ हाँ पापा, ले आओ ले आओ, वैसे भी काम नहीं है यार कोई भी। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। चलो यार, इससे भी मैंने पूछ लिया, बोल रहे आ जाओ, बेस्ट हो गया यार। ये तो इसकी जीप जो है ना आई हुई है, ये ज़रा इसका ऑयल वगैरह चेंज करवाना है। वैसे तो मैंने आज अपनी गाड़ी भी दे दी थी जिमी को कि ऑयल वगैरह चेंज करवाना है, इसलिए यार मैं आज टैक्सी में आ गया था। बाकी तुम लोग के लिए ना एक और सरप्राइज़ है। अब यार, इसकी जो ना चाबी नहीं थी, इसलिए मैंने शीशा ही तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, शीशा भी दोबारा लगा दूंगा यार, जिमी से बोलूँगा लगा दे। चलते हैं, अभी जो है ना एक और सरप्राइज़ है तुम लोग के लिए। हमारे भाई ने एक चीज़ मंगवाई है, जो कि इस टाइम ना एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है, और सुबह सुबह ही फ़ोन आ गया था, इसलिए तो मैं टैक्सी में आया हूँ। तो अभी चलते हैं, इसको यहाँ पर जो है ना जिमी की दुकान पे खड़ी करते हैं, और सीधा वहाँ से जो है ना अपनी VXR लेके चलेंगे सीधा एयरपोर्ट पे, और वो जो है ना चीज़ जो आई है ना वो लेकर आएंगे। वैसे तुम लोग ने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा ना, बस तुम लोग जिमी को नहीं बता देना। चलो, क्योंकि यार इन दोनों को तो मैंने बताया नहीं था, एक तो यार गला भी ख़राब हो रहा है। ये ठीक है यार, शोरूम के पास ही जो है ना वर्कशॉप है, आराम से बस इस गली में जाओ और वर्कशॉप आ जाती है, ये बिल्कुल ना बेस्ट थिंग हो गया है। बाकी यार, इसके पास भी आजकल काम वगैरह नहीं आया हुआ, मैंने इसको बोला है कुछ बोर्ड वगैरह लगाए तभी दुकान चलेगी, मगर सुनता तो है ना मेरी बात। देखा, खाली पड़ी भी है, बाकी ये भी खड़ा हुआ जिमी। हाँ पापा, आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर सामने लगा दो। हाँ आ गया आ गया, चलो यार चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा, आ गए ना? ठीक है ना? हाँ जिमी, बस ये गाड़ी आई हुई थी बनने के लिए। मेरी गाड़ी बन गई? हाँ बस थोड़ा सा काम रह गया, वो होता है तो फिर ले जाना अपनी गाड़ी। बाकी यार, ये गाली गाड़ी बनवा दियो, ठीक है ना? हाँ कोई मसला नहीं है। बाकी अभी फारिग के तो चल रहे एयरपोर्ट, एक चीज़ आई हुई है, सामान आया है, वो लेकर आना है। वे पापा, आप क्या मंगवा लिए तुमने? शिपमेंट विपमेंट मंगवा ली क्या? नहीं नहीं, कुछ और आया है, बस एक चीज़ है, तो आ जाओ तुम लोग। चलो यार साकिब भाई, आ जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। जी मैकल भाई, वैसे ही फारिग था। चलो भाई, ये हो तो गया है, चलते। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो मैं ले जाता हूँ यार गाड़ी पर आपकी ना, मैं भी ज़रा घूम लूँगा। चलो आगे लगाता हूँ। हाँ चलो, शुक्र है यार, गाड़ी तो सही हो गई, आवाज़ भी ना अजीब सी आ रही थी अंदर से। चलो भाई, ये तो काम हो गया। बाकी यार, माइकल भाई ने नया काम भी लिया है, चलो अच्छी बात है यार, बार बार जो ना काम आता है ना। हाँ जिमी, क्या करना है अब? अबे यार, वो पापा बोले एयरपोर्ट जाना है। चलो फिर, मैं तो फारिग ही हूँ, ये आके बना लेंगे गाड़ी, कोई मसला थोड़ी ना है। हाँ साकिब, चलते हैं। हाँ पापा यार, चलो 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 फिर, एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठो। चलो मैकल भाई, आ जाओ यार, लेके चलते हैं एयरपोर्ट पे ना, वैसे भी जो है ना बहुत दिन हो गए, कहीं दूर नहीं गए। पापा यार पीछे बैठो ना। यार जिमी देख कर ना, बैठ गया पीछे। चलो ड्राइवर चलो। अरे मैकल भाई, क्या बात हो गई यार, आज बैठे खुश लग रहे हो तुम। अबे जिमी, अबे साकिब क्या कर रहे हैं, ठोक दी तूने गाड़ी। अरे मैकल भाई सॉरी ना, कुछ नहीं होता, बना देंगे, वैसे भी बनने आई हुई है गाड़ी। अबे हाँ यार पापा, वैसे भी बनने आई हुई है गाड़ी, कोई मसला थोड़ी ना है। हाँ चलो चलो एयरपोर्ट पे चलो यार, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। मैं कल पे बस चल रहे यार एयरपोर्ट की तरफ, बता दो ना क्या मंगवाए। अरे पापा, मुझे लग रहा है तुमने कोई गाड़ी वगैरह मंगवाई है, क्योंकि यार गाड़ी जो ना एयरपोर्ट या डॉक्स पे ही आती है, और तो कोई चीज़ आती ही नहीं है, वरना तो यार कोई TCS वाला हमारे घर पर छोड़ के जाता अगर छोटी मोटी चीज़ होती।
हाँ यार तूने सही गेस किया, गाड़ी ही मंगवाई है। पापा आप तो बता दो कौन सी गाड़ी है। नहीं नहीं वो सरप्राइज है, तुम लोग वहाँ पर जाके देखना। अरे मैं कल भी बता दूँ ना क्या मसला हो गया। नहीं नहीं साके वहीं जाके देखिए। चलो ठीक है मैं कल भी, अगर आप इतना बोल रहे हो तो वहीं जाके देख लेंगे। वैसे भी जा ही रहे हैं अभी एयरपोर्ट ही। हाँ हाँ अरे पापा यार बता दो। चलो कोई बात नहीं यार। अरे साकिब देखकर चला क्या कर रहा है। अरे मैकल भी बस इसके जो ना ब्रेक ख़त्म हो गए। मैं जिमी को बोल रहा था कि इसके ब्रेक भी लगा देता हूँ, वो बोल रहे नहीं नहीं पूरा नहीं ठीक है। नहीं नहीं यार तुम जाके लगा देना ब्रेक, अब मुझे पता चल गया यार ख़त्म हो गए हैं इसके ब्रेक। अरे साकिब नीचे से जाना है, ऊपर से ले ले आप यार क्या कर रहा है। अरे मैकल भी कोई मसला नहीं, आ गया ना बस एयरपोर्ट। वैसे यार एक बात है, एयरपोर्ट हमारी शॉप से बहुत ज़्यादा करीब है, अगर हम शिपमेंट मंगवाएंगे एयरपोर्ट के ज़रिए ना तो जल्दी आ जाएगी और जो है ना ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। हाँ ये तो है मगर पैसे भी तो उतने लगेंगे ना। हाँ हाँ पापा आप ठीक बोल रहे हो यार, पैसे भी उतने ही लगेंगे। जल्दी चला लो यार साकिब भाई, अजीब मेहंदी लगी हुई है पाँव में। अरे यार तू निकाल ले फिर इतना रश है। नहीं नहीं साकिब बस आराम से चला, कोई इतनी जल्दी थोड़ी ना, बस आई गेस। हाँ हाँ माइकल भाई ये तो है ही पागल, इसको कुछ पता थोड़ी ना है। अबे मनोज के बच्चे हटा ले यार, फुटपाथ से चलानी पड़ेगी। एक काम कर तो रॉन्ग ले ले तो, वरना यार ये गूगल मैप बहुत लंबा बता रहा है। बस यहाँ से ले लिए, देखो सीधा सीधा आ गया एयरपोर्ट। बस ये लोग ना दरवाज़ा खोलते हैं मगर जो ना ये दरवाज़ा खोलते नहीं है। नहीं खोलेंगे तो तोड़ दियो और क्या है। अरे हाँ मैकल भाई ये भी तो है, देखते हैं। अबे मनोज का बच्चा कोई है ही नहीं अंदर, तो खोलेगा अबे तोड़ना ही पड़ेगा। हट यहाँ से, तोड़ दिया। अबे हाँ यार सही किया तुमने, देखो अभी तमीज़ से खुद ही खुल जाएगा, ऑटोमेटिक है ना ये वाला। अरे मैकल भाई बताओ कहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर ले ले राइट साइड पे, वहाँ पर ऑफिस है ना सिक्योरिटी, वहाँ पर जाना है। अरे मैकल भाई सिक्योरिटी ऑफिस क्या, जॉब वॉब लेने आए हो क्या, अब तो तुम्हारा अपना शोरूम भी हो गया। नहीं नहीं यार कुछ चीज़ आई है ना उसकी पेमेंट वेमेंट करनी है पूरी यहाँ से। हाँ हाँ मैकल भाई वो तो है। चलो मैकल भाई यहाँ पर लगा देता हूँ, उतरो। हाँ चलो उतरो। आ गया पापा। चलो मैकल भाई हम यहाँ खड़े हो रहे हैं, तुम अंदर से होके आओ ठीक है, मैं जब तक सिगरेट पी लेता हूँ। हाँ हाँ मैं अंदर से होके आता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा एक डेढ़ घंटा। चले ठीक है मैकल भाई कोई मसला नहीं है। चलो चलते हैं भाई, अपनी गाड़ी आ गई है फाइनली। अबे यार इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, असल में बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई ना इसलिए। अरे मैकल भाई इतना टाइम लगा दिया अपने, दो घंटे कौन लगाते हैं। अबे पापा यार दो घंटे कौन लगाता है। चलो आ जाओ अब सामने वाले हैंगर में जाना है, वहीं खड़ी हुई गाड़ियाँ सारी। आ गया मैकल भाई। अबे मनोज के बच्चे जिमी बैठ ना। अबे आ गया ना, क्या हो गया तुम लोगों को, अजीब सबर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। चलो यार फाइनली अपनी गाड़ी तो आ चुकी है, सामने वाले हैंगर में खड़ी हुई है, जाके देखना पड़ेगा अब। अबे पापा आप तो बता दो कौन सी गाड़ी है, हमसे छुपा रहे हो अब। बस जाके देख लेना, देखो आ गई सामने इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई। अबे पापा ये तो दूसरी गाड़ी है, ये तो स्पोर्ट्स कार है, तुमने स्पोर्ट्स कार मंगवाई है क्या। हाँ ना। अबे पापा यार तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। यार ये तो मैंने एक महीने से मंगवाई हुई थी, अब आज पहुँची है। अबे पापा यार शो वाली गाड़ियाँ लग रही हैं, रोको ना मेरे को उतर के देखना है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अबे माइकल भाई बड़ी शो वाली गाड़ियाँ लग रही है, मेरे को तो लग रहा है तुमने फरारी वगैरह मंगवा ली है। अबे पापा मेरे लिए मंगवाई है ना। नहीं नहीं भाई मैंने अपने लिए मंगवाई है, आ जाओ देखो। अबे पापा यार ये रेड वाली तो लैम्बोर्गिनी यूरूस है ना। हाँ हाँ लैम्बोर्गिनी यूरूस ही है। अबे पापा यार ये काश मेरे पास होती यार गाड़ी। वही तो। अबे माइकल भाई मुझे तो लग रहा है यार तुमने यूरूस ही मंगवाई है, जैसे तुम बोल रहे हो ना तुम्हें एसयूवी पसंद है ना इसलिए तुमने यूरूस मंगवाई, क्योंकि यार वर्ल्ड की फास्टेस्ट यूरूस है ना ये। तुम लोग यहाँ पर ही रुको, मैं वहाँ से ऑफिस शो कराता हूँ। अबे साकिब भाई ये फरारी तो चेक करो कैसी है। चलो यार चलते हैं यहाँ से, ज़रा ना इनसे की लेनी है क्योंकि इन्हीं के पास है ना की। चलो की भी मिल चुकी है फाइनली, हमारे सामने खड़ी हुई लैम्बोर्गिनी यूरूस वर्ल्ड की फास्टेस्ट एसयूवी। बहुत दिनों से ये मैं चाह रहा था कि मंगवाऊँ, बहुत महीनों से, बट इतना टाइम लग गया यार इसको आने में। चेक कर रहे हो कैसी लग रही है पीछे से। चलो भाई अभी अंदर से आप लोगों को इंटीरियर भी दिखाता हूँ कैसा है। ये तो लोग तस्वीरें इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि जो है ना वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है ना इसलिए। ओ भाई साहब क्या आवाज़ है। अबे पापा यार मुझे भी बैठा लो ना। हाँ हाँ आ जाओ, तुम लोगों ने मना किसने किया है। अबे पापा आगे तो निकालो। चेक करो कैसा इंटीरियर, इसके ऊपर हेड्स अप डिस्प्ले, ये जो है ना
लेटेस्ट मॉडल है, बाकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की है। चेक कर रहे हो कैसा इंटीरियर इसका? चेक कर रहे हो इंटीरियर इसका? चलो इन लोगों को भी बिठाता हूँ। अबे पापा यार हमें भी बिठा लो ना। चलो एक काम करो, आ जाओ तुम लोग अंदर ही। हाँ हाँ पापा, आ रहे। साकेब भाई जो यार, मैं आके बैठूंगा। नहीं नहीं मैं बैठूंगा। अबे यार मैंने इसका इंटीरियर देखना था, अजीब। साकेब भाई तुम भी ना। अबे माइकल भी, मेरा तो टकला ऊपर टकरा रहा है, इतनी छोटी सी छत है यार इसकी तो। हाँ ना। अबे माइकल भाई ये कौन लेकर आएगा गाड़ी? तुम लोग लेकर आओगे, इसलिए तो तुम लोग को लेकर आया हूँ मैं। अबे पापा नहीं यार, मैं तो और उसमें बैठ के जाऊँगा यार, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं यार, तू मेरे साथ ही जाएगा बेटा। हाँ जिमी, तू साकिब का साथ जाएगा और मैं तो सीधे जो ना शोरूम जाऊँगा, तुम लोग अपने वर्कशॉप चले जाना। अबे यार नहीं यार पापा। बाकी चेक करो उसकी टॉप स्पीड कैसे लग रहा है अंदर से, फुल लग्जीरियस इंटीरियर है ना? अबे हाँ यार पापा, वैसे लग्जीरियस तो है जो बात है। माइकल भाई वैसे कितने की है? मत पूछ साकिब, मत पूछ, बहुत महंगी आई है भाई, बहुत महंगी इम्पोर्ट हुई है बाहर से, क्योंकि यार यहाँ पर जो ना ये मिलती नहीं है। अरे माइकल भी, हाँ बात तो सही कह रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं भाई, अल्लाह नसीब और अच्छे करे, हमें भी दे ऐसी गाड़ी कभी। हाँ चलो तुम लोग एक काम करो, उतरो और VXR लेकर आओ मेरी, ठीक है? मैं जब तक यहाँ से निकलता हूँ। चलो ठीक है यार पापा, आपकी मर्ज़ी, नहीं लेके जाते रहो नहीं लेके जाओ भाई यहाँ से। हम तो निकले अपनी VXR में, जब जहाँ जिसमें आए थे उसी में जा रहे हैं हम वापस। तो ये दोनों तो चले गए। अबे साकिब भाई मैं चलाऊंगा, तुम लोग हटो यहाँ से। भाई क्या हो गया, दोनों लड़ रहे हैं यार ये लो। चलो बैठ तो गए, हम भी चलते हैं अपनी उरुस में। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये कैसी लग रही है लैम्बोर्गिनी उरुस। बहुत तुम लोग बोले थे यार कोई सुपर कार लो, देख लो, ले ली भाई अपने लैम्बोर्गिनी। वैसे इसका कलर बहुत अच्छा है यार, रेड, ग्लेज रेड है इसका, ब्लेज रेड कलर। चलो चलते हैं, ये लोग भी आ गए अब। चलो चलते हैं अब जो है ना। अबे यार पीछे का दरवाज़ा खुला रह गया, इसको खुद ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, देखना, ये देख रहे हो। चलो चलते हैं अब जो है ना, हम भी, ये लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। अब ज़रा मैं एक काम करता हूँ, फुल स्पीड में चलाते हैं, उसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं, क्योंकि यार अपनी लैम्बो ली है यार हमने, तो टॉप स्पीड क्यों ना चेक करें, है ना? अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना यार कैसी लग रही है। यार रॉन्ग आ गया मैं भी ना यार, ये मुझे डर लग रहा है कहीं अंदर नई गाड़ी के अंदर जो ना लग ना जाइए। चलो देखा, अब ये लोग खुद ही खोल रहे हैं, इनको पता है ना कि भाई लैम्बो वाले लड़के आ रहे हैं। यार ये देखो जिमी की हरकतें देखो, मेरे लिए इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, जिमी के लिए खोला ही नहीं। यार ये लोग देखते हैं अमीर लोग आ रहे हैं तो खोल देते हैं भाई दरवाज़ा। अब उसने मेरे नीचे देखी होगी लैम्बो, भाई लैम्बो आ रही तो खोल दो दरवाज़ा। अबे यार वैसे इसकी स्पीड ओ हो कंट्रोल नहीं हो रही यार मुझसे। बाकी यार ब्रेक्स भी इसके अच्छे हैं, जितनी इसकी स्पीड है ना उससे ज़्यादा अच्छे इसके ब्रेक्स हैं, क्योंकि यार स्पोर्ट्स कार में यही होता है। वैसे ये स्पोर्ट्स तो नहीं है, SUV स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाती है ना। चलो रॉन्ग तो आ गए, चलो इसकी थोड़ी ऑफ रोडिंग भी चेक कर लेंगे यहाँ से जो ना, बीच में से ले लेता हूँ। बाकी ये लोग, इनको रास्ता तो आता है, ये लोग आते ही रहेंगे अपने, ये लोग सीधा जो है ना वर्कशॉप जाएंगे अपनी, मैं अपने शोरूम जाऊंगा, देखूँ कहाँ तक काम पहुँचा है। वैसे मैंने 2 दिन का एस्टिमेट दिया है इन लोगों को ना, वर्कर्स को 2 दिन का एस्टिमेट दिया है कि वर्क ख़त्म कर दें। यार ये क्या कर रहे हैं लॉस एंटोस के लोग, बिल्कुल आराम से चलानी पड़ेगी, क्योंकि यार अब तो मैं इसको जो ना अपनी गाड़ी रख लूँगा मेन, जो रोज़ चलाऊँगा। बाकी जो VXR है वो मैं जिमी को दे दूँगा, उसको जो करना है कर ले। वैसे भी ना उसके पेपर्स डैशबोर्ड में रखे होते हैं, तो बेच नहीं है उसको, मैं बोलूँगा बेच के दूसरी गाड़ी ले ले, क्योंकि यार इसकी 125, इसकी CBR, इसकी प्रियस भी तबाह हो चुकी है तीनों की तीनों। क्योंकि जब हम प्रियस वापस लेने गए थे ना परसों, क्योंकि यार एक हफ़्ता हो गया ना सिमियन को मारे हुए, इसलिए तो जब हम वापस लेने गए उस जगह, तो वहाँ पर प्रियस थी नहीं, सिर्फ उसके जो ना बॉडी पड़ी थी, इंजन सारी सीटें वीटें सब, इंडिकेटर लाइट सब निकाल के ले गए थे, जो नशे लोग वहाँ करते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल आराम से चलानी पड़ेगी यार, अभी ठुकने वाली थी पोल के अंदर, क्योंकि मैं रॉन्ग आ रहा हूँ ना, मेरी भी तो गलती है। बाकी इसका हेड्स अप डिस्प्ले देखो, आपको मीटर में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आपकी जो है ना शो हो रहा है स्क्रीन पे, जहाँ पर आप सामने देख रहे हो। अगर आप तेज़ी में जा रहे हो तो आपको स्पीड देखनी है, सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही है। बाकी गाड़ी में जो आउट क्लास लगी, आप लोग बताओ कैसी है। बाकी यार अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हम लोग 7K के बहुत करीब हैं, जल्दी से कर दो। बाकी वीडियो को लाइक बैक भी कर दिया करो, आजकल लाइक ही नहीं आ रहे, बोलना पड़ता है। चलो इस वीडियो के लिए जो 100 लाइक्स का एम रखते हैं, ज़्यादा नहीं कर रहा, ठीक है ना, जल्दी करो। बाकी यार मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ अपने शोरूम पे, क्योंकि गाड़ी भी तो अपने देखो यार, लैम्बोर्गिनी उरुस है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट SUV, स्पोर्ट्स कैटेगरी में तो नहीं आती बल्कि SUV कैटेगरी में आती है। बाकी इसको अपग्रेड कराने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप लोग फिर भी बोलोगे कि इसको अपग्रेड करवाओ, स्पॉइलर लगवाओ, तो इसमें हम स्पॉइलर और कुछ अपग्रेड्स करवा लेंगे,
बाकी वैसे ऐसे ही ठीक लग रही है, वैसे अपने बातों बातों में शोरूम भी आ गया। एक काम करता हूँ, गाड़ी जो है ना पीछे की साइड से अंदर खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि बाहर काम हो रहा है और अभी अभी नई नई गाड़ी आई है ना, तो मिट्टी विट्टी लग जाएगी, फिर गंदी हो जाएगी। चलो यहाँ से मैं अंदर ले लेता हूँ। इसका इंटीरियर तो भाई लग्जीरियस। आप अभी जो है ना, मैं सोचा था कि लैंड क्रूजर 2022 वाला मॉडल मंगवा लूँ, मगर वो मज़ा नहीं है ना उसमें। मज़ा तो उसमें भी है, बट अपनी लैम्बो की अपनी बात है, इसलिए मैंने लैम्बो मंगवा ली, क्योंकि बहुत मेरी जो है ना ये ड्रीम भी था कि मैं एक दिन उरुस लूँ लैम्बोर्गिनी। तो आज वो हमने अपना ड्रीम पूरा कर लिया है, चलो अच्छी बात है। अब जाके ज़रा वर्कर्स को देखता हूँ कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और थोड़े शिपमेंट का भी पूछ रहा हूँ। अबे लड़के यहाँ क्यों ले आए, वर्कशॉप चल रहे हैं? अबे बस पापा को देखना था। वो देखो यार, पापा के लैम्बो खड़ी हुई क्योंकि शो वाली लग रही है यार। मैं हमें बिना बताए ले लिया, ये तो गलत बात है ना। अबे लड़के अब तो बता दी ना, कोई मसला थोड़ी ना। चल यार वर्कशॉप ले, वैसे भी एक जो है बहुत मुश्किल से काम आया है एक गाड़ी का, वो तो जल्दी जल्दी करके माइकल भाई को दें यार, ताकि उसकी पेमेंट मिले। अबे हाँ यार साकिब भाई, तुम लोग सही बोल रहे हो। तुम लोग क्या, तुम सही बोल रहे हो यार। चलो गाड़ी को यहीं खड़ी करता हूँ, बाकी यार इसको मैं सर्विस कराने के भी लेकर जाऊँगा, क्योंकि इतनी गंदी हो रही है। बाकी यार तुम लोग को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ना रोज़ वीडियो आएगी, तुम लोग बेफिक्र रहो, और 7:30 बजे आएगी वीडियो, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड ऑलवेज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।